हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज है संडे एंड आज फिर से मेरी फ्रेंड आई है। हम लोग प्रैक्टिकल का कुछ कुछ काम वगैरह करने वाले हैं एंड साथ में हम लोग यहाँ पे अपना लंच भी बना रहे हैं, जो कि ये पनीर एंड राजमा मैंने बना दिया है। इसमें कुकर में राइस मैंने चढ़ाया है क्योंकि 2 या 2:30 तक मेरे मॉम डैड भी आ जाएंगे, तो उसके लिए भी मैं खाना बना रही हूँ। एंड स्पेशल रिक्वेस्ट, आंटी ने कहा, मतलब सृष्टि की मम्मी ने कहा कि प्लीज तो आना चाहिए, आंटी मेरा ब्लॉग रोज देखती है, तो उनको मैं मना नहीं कर सकती ना। तो मेरे को ये ब्लॉग बनाना ही था। सृष्टि गई हुई है नीचे वाले शॉप पे, उसको कोल्ड ड्रिंक लेना था, मतलब कोल्ड ड्रिंक पीना था और मेरे पास था नहीं, तो वो नीचे गई है एंड कोल्ड ड्रिंक लेके आ रही है, मे बी थम्सअप या मेरे अंदर पता नहीं कुछ हुआ उसमें से। एंड उसने मेरे को फ़ोन किया था कि और कुछ चाहिए तो वो लेते आइए, तो मैंने कहा कि मिर्ची का पाउडर लेते आना, मेरे पास मिर्ची का पाउडर नहीं है। यहाँ पे मेरा राजमा बना हुआ है, मैंने यहाँ पर टेबल पर रख दिया है क्योंकि किचन में स्पेस ही नहीं था। तो गाइज मेरा पनीर बन चुका है एंड मैंने टेस्ट भी किया था तो अच्छा ही टेस्ट कर रहा था, होपफुली सृष्टि को पसंद आएगा। गाइज मीट माई फ्रेंड, खा के आ जाते हैं बार बार और आज कहाँ गया, पेप्सी भी लाई है। हाँ पेप्सी लाने गई थी नीचे, उसी टाइम से हम बना रहे हैं ना। हाँ ठीक है गाइज, बाद में लंच किया जाएगा। हाँ। तो तुम खोली नहीं है क्या अभी तक? ये सब कवर करके रखे हैं सृष्टि। अच्छा, सब गंदा ना हो जाए इसीलिए। हाँ ठीक है, ये जाना चाहिए इसमें कैविटी, मतलब तो ऐसा पता नहीं। इसमें मैम बोली कि बटरफ्लाई शेप नहीं होगा, डम्बल शेप नहीं होगा, बटरफ्लाई शेप बोल के पलक को कम मालूम बी दे दी थी शायद से। ये हम बना रहे थे लेकिन हम इसको गलत कर दिए थे, तो इसका कचड़ा हो चुका है। हम सोचे ना उसमें ना स्पिरिट वगैरह लाना पड़ता ना, वो ज़्यादा ही हो जाता है। हाँ देखिए किस्मत से दातन ज़्यादा गया निकाल दी मंगा है, ये फूड पैडल है। देखिए राउंड बर है, ठीक है, इसको चेक कर, राउंड है, राउंड दिख रहा है। इसको पिट करने के लिए, मतलब लाइक इसमें ऐसा छेद करना, तो पहले ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर इसको ये स्ट्रेट बर है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट है। ये कैविटी को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। ये है इन्वर्टेड बर, ये नीचे स्मूथनिंग के लिए शायद से यूज होता है, पता नहीं, हम तो वही यूज़ करते हैं, मे बी हो सकता है गलत भी हूँ। और ये मतलब फिनिशिंग देने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, कोनिकल बर, चार बर हो गया ये। ये सब क्या दांत और की मोड़ा से गलत किए ना। हाँ ये हैंड पीस है, ये तो बस पार्ट रहेगा, ठीक है। और ये हैंड पीस है, ये अलग से आएगा, इसको ऐसे अटैच करेंगे। यही मेरा खराब बहुत आवाज कर रहा था, चेंज शिफ्ट करना पड़ गया। ये इसका स्टैंड है, तो चिड़िया से डरती है, उड़ने वाला चीज सबसे डरती है। सूर्या मेरा तुम ले जाती मैट्रेस और बेडशीट, ये किस लिए है? ये इसका दांत जैसे कि गलत हो गया ना, अच्छा। दांत चेंज हो जाएगा पूरा, तो ये महंगा आता है। हाँ हाँ एक एक दांत का प्राइस आई थिंक 30 रुपीज़ है। बुआ आई है, हेलो बुआ। हाँ मेरी फ्रेंड से मिले हैं अभी अभी, और इधर मम्मी आई है, इधर पापा भी आए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी वहाँ निकलेंगे तो जाम नहीं हो जाएगा रास्ता? यहाँ पे खाएंगे? हाँ ठीक है। हाँ घर से कुछ कुछ खाने का भी आया हुआ है। और अभी प्रैक्टिकल का काम बंद करते हैं एंड खाना खाते हैं, क्योंकि
3 बजने वाला है और हम लोग भी वेट कर रहे थे तुम लोग का आने का, फिर सोचे साथ में खाएंगे, तभी हम लोग बना लिए थे ना, पहले ही बन गया था। और मम्मी पापा को लेट हो गया ना, 1:30 बजे वहाँ से गए जाके, फिर हम लोग वहाँ से निकले। रास्ता में मतलब बीच से खरीदने खरीदने तभी मैं निकली, तुम लोग भी करेंगे ठीक है पिट है ना, तो इसमें हम लोग पहले राउंड भर से पिट बनाएंगे इसमें। सर जब तुम लेगी ना तो एक बार चेक कर लेना अच्छे से, और ये गर्म भी होता है। अच्छा स्पीड देखिए वहाँ से बात करनी चाहिए। हेलो प्रिंस ऑफिस लेना, जैसे टेबल वेबल पर बैठना, दो हाथ ऐसे डालना, मतलब तेरे को सपोर्ट चाहिए अपना। तुम पेशेंट के मुंह में भी कह रही हो, तुम डेंटिस्ट के पास गई हो, तुम देखी होगी कि वो कहीं ना कहीं तरह सपोर्ट ले रहा है, ऐसा हवा में काम नहीं करेगा, हवा में कर ही नहीं पाएगा। ठीक है उसके बाद इसको स्ट्रेट रखना, जो मेरे से टाइम टाइम पर नहीं होता है हम नचा देते हैं इसको, इसको रखना रहता है स्ट्रेट क्या, मशीन जब चलेगा तो ये फिट करेगा। चलो एक करते हैं हम, दूसरा फिट करना राउंड भर से करेंगे। बहुत ज़्यादा मत करना पड़ेगा ठीक है, अभी हमारा वन भी नहीं हुआ है, वन भी पूरा नहीं हुआ है ठीक है। शुरू में ऐसे धीरे धीरे कर, एक बार आइडिया लग जाएगा ना सब कुछ तेज़ी करेगा फिर। इसको मैक्सिमम ले भी जाना ना, 2 ले जाना होता है ना, तो उसको 1.5 ही लेके जाना, क्योंकि जब फ्लोर स्मूथ करते हैं ना तो और थोड़ा सा गड्ढा होना ही है। अच्छा तो उसको हम लोगों को 2 तक लेके जाना है, मैम चेक करती है तभी अप्रूव करती है। एक साइड का देख थोड़ा सा किया कितना गर्म हो गया, इसको चेक कर, बर्स को भी ना जब निकालेगी ना तो ध्यान से करना, नहीं तो बहुत गर्म होता है, हाथ जल जाता है ये। चलो तुम करे, यहाँ हम लोग सभी ने बैठ गए हैं चटाई लगा के और खाना खाने वाला, रोटी इसमें है साग, फिर उधर जो है बातचीत चल रही है गाइस, बातचीत चल रही है हमारी लंच के बाद। पेड़ है लेकिन उतना बड़ा बड़ा तो नहीं है, छोटा छोटा है। बाद में लोग को सेहत में रखने के लिए या कुछ भी उन लोग का फेवर में कुछ काम करने के लिए कुछ कुछ लोकल नेता लोग से बनते हैं ना, वही लोग आपको पता है साथ देखिए ना कि इस तरह का प्रस्तुति मिलना चाहिए। एक्चुअली अभी ड्रिलिंग का काम चालू है, यहाँ पे ड्रिलिंग का काम चल रहा है। हाँ ठीक है दोनों तरफ, हाँ बराबर दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे है इधर। वाह 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 गाइस, कोई बता सकता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? तो रात में मेरे उनके दरवाजे से
हवा से बंद हो जा रहा था। रात में ना कल बहुत जोर जोर से हवा चल रही थी, तो इसका रूम का दरवाज़ा ना जब मैं सो रही तब धप से आवाज़ कर रहा है, तो मैं डर जा रही थी। तो फिर मैंने इसको मैसेज किया, क्या मैसेज था बताना जरा, क्या आवाज़ कर रहा है। सात बजे ने आवाज कर रहा है, बंद करो। ये तो कंफ्यूज की लिख क्या रही है, पहली बात एक तो नींद से खुद उठी है। ये था। तो फिर गाइस फिर क्या हुआ कि मेरे को लिखना था दरवाजा बंद करो, और वो ना ऑटो टाइप ऑटो करेक्शन होता है ना, तो वो लिखा गया सार्वजनिक बंद करो। ये कंफ्यूज क्या कहना चाह रही है मेरी दीदी। फिर इसके रूम में गई, ऐसे था ये आई, एक तो ये नेवी ब्लू कलर का पहनी है, बाल खुला और ऐसे खड़ गया मेरे दरवाजे पे। दरवाजा बंद करो, मेरे जस्ट आग खुला था, मैंने सोचा क्या आया तो गाइस अभी मेरे को पता चला कि वो मच्छर मारने का क्या है, वो फॉगिंग मशीन तभी मच्छर नहीं काटते हैं यहाँ, है ना। एक आध भी नहीं, मुश्किल से एक दिन मेरे को मिला था, वो भी एक जिसको मैंने मार दिया। सो गाइस अभी मम्मी पापा घर चले गए, घर पहुँच गए, अभी जस्ट पापा का कॉल आया था, तो वो लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं। एंड आज का दिन बहुत बढ़िया था, आज का संडे एकदम मतलब वन ऑफ द बेस्ट संडेज में से गया है। एंड बहुत सारा खाना आज हम लोग का हो गया, जो कि हम लोग आधा पीस तो हम लोग को वापस भी करना पड़ा। हाँ, तो कुछ ज़्यादा ही खाना हो गया था, क्योंकि हमने टिफिन वालों को भी मना नहीं किया था, और वो ला दिए थे हमारा लंच और डिनर दोनों ला दिए थे, तो फिर कुछ ज़्यादा ही खाना हो गया था। घर से भी बहुत सारा बना के लाया था, ऑलरेडी बना बनाया था, दीदी भी बनाई थी पनीर, तो बहुत सारा रह गया था। फिर कुछ कुछ हम लोग रख ली और कुछ कुछ घर भी दिए। हाँ, कुछ कुछ घर भेज दिए एंड घर, और यहाँ पे भी कुछ पर्दा का काम सब बचा हुआ था, तो वो भी पापा सब कर दिए हैं। मिष्टी तो बहुत एकदम पसंद आ गई ना, एकदम मतलब बहुत क्यूट, बहुत प्यारी बच्ची है बोल के, मतलब हम और पापा को दोनों को बहुत अच्छी लगी मिष्टी, बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, ऐसा मेरे को भी लगता है कि दोस्ती के मामले में ना ऐसे गिने चुने लोग ही होते जो मतलब प्रीशियस होते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मेरे को इसके लिए टच वुड करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या कौन हम दोनों शेयर करते हैं। तो या यही था, एंड आज का हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।